दोस्तों नमस्कार, आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ आए हैं और माहिन के साथ आए हैं। और माहिन के साथ आज हम जो है ना फ्रंट ऑफ मिलेट्स की चीला बनाएंगे और देखते हैं हम इसको किस तरह से हम और माहिन बना रहे हैं। दोस्तों ये है हमारा फ्रंट ऑफ मिलेट्स का फ्लोर और माहिन ये फ्रंट ऑफ मिलेट्स का फ्लोर है और ये HTC सिरिधानिया ब्रांड का है। ठीक है, आपको इसमें कुछ सवाल पूछना है क्या? ये HTC सिरिधानिया है क्या? देखिए HTC सिरिधानिया क्या है, HTC का जो स्टैंड फॉर फुल फॉर्म होता है हयात डायबिटिक केयर, और सिरिधानिया एक ब्रांड है जो डॉक्टर खादर वली जो है हर हमेशा सिरिधानियालू या सिरिधानिया इन दोनों को ही बताते हैं कि ये जो 5 ग्रेन्स हैं कोडो लिटिल ब्रोंटो फॉक्सटेल और जो दूसरे हैं वो सारे पांचों मिलेट्स को जो है ना पॉजिटिव मिलेट्स बोलते हैं और इसी पांचों का नाम जो है ना सिरिधानिया रखा। कभी वो सिरिधानियालू बोलते हैं, कभी सिरिधानिया बोलते हैं। ठीक है, सो इस पाउडर का यूज करने का तरीका क्या है, इसे सोक करना या फिर इसे किस तरह से हम? बिल्कुल बिल्कुल माहिन, इसमें जो मिलेट्स है मिलेट्स में फाइबर की जो ये होती क्वांटिटीज होती है जो इसके अंदर फाइबर होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो फाइबर को सॉफ्ट करने के लिए उसको सॉफ्ट किया जाता है। अगर हम मिलेट्स के ग्रेन को सॉफ्ट करते हैं तो 4 से 5 घंटा सॉफ्ट किया जाता है कि फाइबर उसकी सॉफ्ट हो जाए। दूसरा, अगर हम आटे के फॉर्म में यूज़ करते हैं होता क्या है, घर में अगर कोई पर्टिकुलर बंदा अगर अपने घर में बनाता है तो घर में ही आटा को प्रिपेयर करता है सॉफ्ट करके, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन वाली बात होती है, जहाँ ज़्यादा सप्लाई की बात होती है, तो वहाँ पे ये वाली प्रोसेस नहीं होता कि पहले सॉफ्ट करो उसके बाद फिर जो है सुखा के फिर आटा बनाओ, तो कमर्शियल में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि जब ये मिलेट्स का आटा बना के रखते हैं, मिलेट्स का मार्केट से मंगवाते हैं, तो इसको क्या करेंगे आप 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा गर्म पानी में इसे गूंद के या घोल के छोड़ देंगे। उसके बाद आप इसको जो है ना रोटी बना सकते हैं या जो चिकला बना सकते हैं, जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका फाइबर जो है प्रॉपर में सॉफ्ट हो जाएगा, जो आप उसे यूज करेंगे तो पेट में दर्द नहीं होता है। अच्छा, तो फाइबर को चलिए दोस्त, अब हम जो है बिना देर किए हुए हम बनाते हैं चीला। ये देखिए फ्रंट ऑफ मिलेट्स का जो फ्लोर है हमने इसे लगभग 1 घंटा सॉक किया है और ये इस तरह से है। और दूसरा जो हम इसके अंदर जो सारी चीज़ें मिलाने वाले हैं वो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। ये थोड़ा सा गाजर कस किया हुआ है, ये शिमला है येलो शिमला, और ये है आपको ग्रीन शिमला। थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्न भी यूज़ किया है, और ये हरी मिर्च का कुछ पीसेस है, और ये धनिया का पत्ता है, और इसमें हम जो है ना ये प्याज भी डाल रहे हैं, और ये टमाटर है। ये सारी चीज़ें आज हम मिक्स करके इसको बनाते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए अब हम इसमें जो है ना थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं, ये है गाजर के सारे कसे हुए टुकड़े, उसके बाद ये शिमला मिर्च येलो शिमला मिर्च, फिर ये ग्रीन शिमला मिर्च, ये कॉर्न। अगर इस कॉर्न को अगर आप किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनाता है ये कॉर्न, और हेल्दी भी होता है, तो मैंने इसे भी मिक्स किया। और थोड़ी सी ये हरी मिर्च के पीसेस, ये टमाटर के पीसेस, ये प्याज, थोड़ी सी प्याज कसा हुआ, ये धनिया पत्ता, और थोड़ा सा ये पालक भी है, इसको मैंने थोड़े थोड़े पीसेस में कस कर दिया है, हम पालक भी यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसके साथ और क्या मिला सकते हैं उस चीज़ को देखना है। अब जैसे मैंने ये सॉल्ट है, इसको अपने स्वाद अनुसार जो है इसको हमने यूज़ किया। इसमें हम पिंक सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं, मैंने हर वीडियो में देखा है आपने हर वीडियो में पिंक सॉल्ट का यूज़ किया। हाँ, पिंक सॉल्ट इसलिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर खादर वली हमेशा ये बताते हैं कि आप जो दो तीन चीज़ों को अपने घर से निकाल दीजिए। पहला चीज़ ये है कि जो तेल है आप कच्ची घानी सरसों का तेल को यूज़ कीजिए, क्योंकि बाकी रिफाइन वगैरह को यूज़ करने में दिक्कत है। तो हमने देखा है कि आपने हर मिलेट्स की रेसिपीज में सिर्फ पिंक सॉल्ट यूज़ किया है। बिल्कुल अच्छी सवाल आपने पूछा है माही। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टर खादर वली एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने
ये जो बीमारियां हैं बॉडी के अंदर जो बीमारियाँ, उस पर बहुत रिसर्च किया उन्होंने, तो उन्होंने डायरेक्टली ये बताया किसी न किसी तरह की दो तीन चीज़ों को अपने किचन से सबसे पहले बाहर कीजिए। पहला चीज़ होता है वाइट सॉल्ट, समझ गए, उसके जगह पर आप सेंधा नमक को यूज़ कीजिए। जिसको बीपी वगैरह होता है उसके लिए क्या है कि जिसको बीपी होता है वाइट अगर नमक खाता है तो उसकी बीपी की पोजीशन जो है ना रेगुलर बेसिस पे बढ़ती रहती है। दूसरा ये है कि आपको हमेशा वो बोलते हैं कि आप जो तेल यूज़ करें एक तो कम यूज़ करें, बहुत कम यूज़ करें, अगर यूज़ भी करें आप उसे तो सरसों का कच्ची घानी तेल को यूज़ कर सकते कम मात्रा में, ठीक है। ये चीज़ें हैं उनका डॉक्टर खदरवली ये चीज़ों को बराबर बताते, इसलिए हम जो है ना सॉल्ट में जो है वाइट सॉल्ट को छोड़ के हम ये वाला। दूसरा एक चीज़ और वो बताते हैं कि जो वाइट शुगर है चीनी है वो आपके बॉडी के लिए जहर है, उसे भी यूज़ नहीं करना, उसके जगह पे जैगरी यूज़ करो या गुड़ यूज़ करो इस तरह का। उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने दो तीन चीज़ें जो बताई वो बहुत अच्छी चीज़, अगर ये दो तीन चीज़ें अगर आपने घर से निकाल दिया ना ऐसे ही लोगों में बीमारियों से थोड़ा सा धीरे धीरे। तो जैसा कि आलम जी ने हमें बताया हमारे कुछ अनहेल्दी चीज़ों को हमारे घर से बाहर निकालने की, तो आप लोग भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करें और अपने घर के लोगों को हेल्दी बनाएं। दो चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा मैन, ये तीन चीज़ें जो किचन की बातें करा मैंने, दो चीज़ें और अपने किचन से या अपने लाइफ से ही हटाई उसे। पहला चीज़ है जो वाइट गेहूँ बोलते हैं और चावल बोलते हैं, ये ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, समझ गए, इसको भी घर से बाहर निकालिए। जैसे ये पांच छह चीज़ें आप अपने घर से बाहर निकालेंगे और आप बिल्कुल रोग मुक्त जीवन की ओर बढ़ेंगे। तो आलम जी ने आपको रेसिपीज के साथ साथ आपको हेल्दी रहने का भी तरीका बताया है, तो इन्हें फॉलो करें। तो देखो दोस्तों ये हमने इसको मिक्सअप कर लिया है, अब अगर जिसे आप थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च के टुकड़े डाल चुका हूँ, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पे जो है ना गरम मसाला भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी करना है तो कर सकते हैं आप, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से है, ठीक है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं, देखते हैं ये हमारा जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा घी डाल दिए हैं और ये घी गर्म हो चुका है, अब हम इसे जो है ये जो मिक्स किया हुआ है हमारा इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं हमारा बैटर प्लेट पे जा चुका है और अब हम इसे पकाएंगे। तो आलम जी इसे कितने देर तक पकने के लिए छोड़ना है हमें? देखिए इसमें हमने काफ़ी सारी सब्जियां मिलाई हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब तक ये आप देख लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता जब तक हम इसे पकाते रहेंगे, ठीक है, धीमी आंच पे पकाएंगे इसको। ये पक चुका है आई थिंक अब हमारा, अब इसे जो है ना हम दूसरी तरफ जो है ना इसको पकाएंगे। तो चलिए माही पलट के दिखाइए। चलिए इसमें थोड़ा सा ऊपर हम थोड़ा घी ऐड कर देते हैं, हल्का ही सा घी यूज करना ताकि ये पलट के अच्छे तरह से। घी जो अगर जो बीपी का पेशेंट है वो घी ना यूज करें, समझ गए, इस चीज़ का ध्यान रहे। बाकी जो बीपी का पेशेंट नहीं है वो किसी भी तरह से आप यूज करके खा सकते हैं। चलिए हम इसे पलट लेंगे और ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है। ओहो बहुत अच्छा, देखिए कलर देखिए और इसका खूबसूरती देखिए कितना है, और खाने में भी बहुत यमी होगा, समझ गए। और दूसरा बहुत ही हेल्दी फूड है, ये बहुत ही हेल्दी फूड सारे आदमी खा सकते हैं जी। देखिए वही जब इंसान जो है ना बीमार हो जाता है ना, समझ गए, तो बीमार होने में क्या है ना इसके सबसे पहले जो है ना उसको खाने के जो चीज़ें हैं ना उसको काफ़ी चेंज करना पड़ेगा। और ये जो सबसे बड़ी जो बीमारियाँ हैं जो इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है डायबिटीज़ और बीपी थायराइड, बहुत सारी बीमारियां हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है बीमारी होने का बीमार होने का लोगों को कि जो ये गेहूं और चावल जो है ना ये जो खाना छोड़ दे तो लोग बीमार से दूर हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर खदरवली ने क्या करा है जो मिलेट्स के बारे में उन्होंने बताया, हमारे यहाँ दो डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वराय रूप चौधरी और डॉक्टर खदरवली, अगर इन दोनों को फॉलो कर ले तो मैं समझता हूँ कि जो बीमार इंसान है जिसे बीमारी हो गई है जैसे डायबिटीज टाइप की बीमारी हो गया, बीपी बीमारी हो गया, थायराइड हो गया,
बहुत सारी बीमारी होगी, वो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, उस बीमारियों को जो है धीरे धीरे ठीक कर सकता है बिना दवाई का, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब उसके लिए क्या है कि हम लोग जो बता रहे हैं, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना इन खानों को छोड़ के इस खाने की तरफ आप बढ़िए, समझ गए। आज के डेट में मोदी जी भी देखो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और 2023 में जो है आपको पूरे वर्ल्ड जो है मिलेट्स डे ऑफ वर्ल्ड बना रहे हैं, इस चीज़ को बहुत जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ताकि जो है ना आप बीमारियों से दूर होइए। तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख गया है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो दोस्तों ये देखिए आलम जी ने हमारे लिए इतना टेस्टी चीला बनाकर तैयार कर दिया है। तो हमने आज बहुत ही अच्छा चीला बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी रेसिपी आपको देखने को मिले। तो इस चीज़ के लिए जो है ना आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर दीजिए, ताकि हम आगे आपको इसी तरह के वीडियो बना के दिखाते रहें।